हेलो, हाय। क्या आप लोग मुझे देख सुन पा रहे हैं? प्लीज बताइए। अच्छा, गाइस, एम ऑडिबल। जेसन, राम राम भाई, कैसे हो? कृषानु, हाय, वेलकम टू क्लास बेटा। मानसा, हाय, हेलो, हाय एवरीवन। जेसन इज सिंग, हाय एवरीवन। कृषानु, ये क्या हलवा हलवा क्या लिखा है ब्रो? मानसा, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? निशांत, अरे बाप रे बाप भाई, इतना इतना इज्जत रे, एकदम आ जाइए प्रभु। ओ माय गॉड। सृष्टि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यस, ऑल क्लियर है? ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, ऑल क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमको ऑल क्लियर पसंद है। मतलब वो क्लीन एंड क्लियर वाला, और शैम्पू की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। चलिए, बाकी लोग तो ज्वाइन करेंगे। हेलो है क्या? अच्छा, अरे बेटा, हेलो की स्पेलिंग थोड़ी तुम्हारी हलवा वाली हो गई। स्पेलिंग का हलवा बना दिया तुम। अरे बा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लगा देख के। अब मैं सबको हलवा ही बोलूंगा, जब भी कोई बैच ज्वाइन करे बोला, अरे हलवा कैसा है? अरे तो नया हो गया ना, मतलब ऐसे चिंटर पिंटर लोग बहुत यूज करते थे। मैं बोलूं, अरे हलवे कैसा है? अच्छा, मेरे को हलवा अच्छा लगा। चलो ठीक है दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सीए आदर्श जोशी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे को इतना टाइम दे रहे हो, आप मुझसे पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मैंने अपना बीकॉम किया है ब्रियान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, बट आई एम अ प्रोफेसर बाय पैशन, बिकॉज आई हैव अ बोलते ना कि मेरे अंदर वो आग है भाई साहब पढ़ाने की। जब मैं छोटा सा था ना, तो मैंने आई आई एम मतलब मैं अपने बच्चों को, अपने सॉरी बच्चों को नहीं, अपने माता पिता को देखता था। वो लोग दे वर लाइक मतलब बोलते ना कि जो बड़े स्टेजेस पे ऐसे बोलते हैं, भाषण वाषण देते हैं, ऐसे एकदम ओरेटर थे। सो मतलब मैंने देखा है हजारों लोगों के सामने उनको बोलते वैसा। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ यू नो इन्फ्लुएंसर, और मे बी एन एडुकेटर, और समवेयर लाइक यू नो बोलते ना, एक मोटिवेटर होता है, एक मोटिवेशन देता है, या पब्लिक स्पीकिंग का जिसका होता है। सो वो कीड़ा मेरे में बहुत था, और मेरे उसी कीड़े के चलते मैं आज यहाँ पे आप लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग के ही माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव अपलोडेड मोर देन 100 वीडियोज ऑन माई ओन यूट्यूब चैनल। आई हैव गार्नर्ड मोर देन 1,10,000 व्यूज एंड 3,80,000 मिनट्स, एंड ऑल्सो आई हैव अपलोडेड मेनी 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 वीडियोज ऑन दिस जस्ट सीए फाउंडेशन, एंड और बहुत प्यार और मुझे सम्मान आप लोगों से मिला है। मैं बता दूं, जो लोग अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नहीं है, आप लोग बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहे हो। सर, मैं आज ही एक बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। मैं आजकल अगर आप नॉर्मल पेनड्राइव क्लासेस देख लो, तो आपको यार प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, पता नहीं वो कब की क्लासेस होती है, वो आपको मिलती है, जहां पर आप ना डाउट ऑनलाइन पूछ सकते हो ना कुछ। देयर इज नो इंटरेक्शन, नथिंग, आप बस सुन रहे हो और कोई टीचर पढ़ा रहा है। यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होता है, बहुत सी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इतने एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स है यार। ऐसा नहीं है कि आप अभी पैसे भर दिए तो आपको बस एक बार मिल गई और देन एंड। आप अगर 24 मंथ्स का लेते हो, तो आप एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज से भी आप पढ़ सकते हो, या लेटेस्ट भी आप पढ़ सकते हो। अगर आप किसी कारणवश अभी एग्जाम नहीं दे पाए, आपको लगता है कि मई में एग्जाम देना है, दैट इज आल्सो पॉसिबल इफ यू टेक दिस प्रॉपर प्लान। यहां पर सर आप देखिए, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन ऑप्शन मिलता है। प्लस में यू विल गेट 30+ आवर्स के लाइव सेशंस एवरी सिंगल डे, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है सर इंग्लिश और हिंदी के। 14+ टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर मिलेंगे। न्यू कोर्सेज भी हर मंथ पब्लिश होते रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टेक अ लुक एट द प्लान्स। ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू टेक दिस ऑप्शन 24 मंथ्स। रीजन सुन लो, ऐवे नहीं बोल रहा हूँ, रीजन ये है सर कि यू विल गेट, बिकॉज आपका इंटरमीडिएट भी पूरा कवर हो जाएगा, और अगर आप पहले आर्टिकल शिप करके या थोड़ी लेट भी इंटरमीडिएट, मतलब एक ग्रुप क्लियर करते हो और एक ग्रुप के लिए आप थोड़ा लेट भी देते हो, तो दिस 24 मंथ्स के तक आपके पास ये है, जो भी लेटेस्ट क्लास है आप आसानी से देख पाएंगे। सो दिस 21,000, उसमें भी आप अगर सी ए आदर्श ये यूज करेंगे रेफरल कोड, टू विल गेट 10% ऑफ, और उससे क्या होगा सर, 8,900 में आपको मिल जाएगा। प्लीज इस ग्रुप रेफरल कोड को यूज कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह मस्ती मजाक में पढ़ाता रहूं। और मुझे देखने तो कौन कौन अभी आया है जिसको मैंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोला। अरीबा को आई थिंक मैंने बोला था हलवा। अरे हलवा हुआ ही नहीं, अभी तक खत्म, शॉर्टकट। हेलो सर, नमस्ते। विष्णु सर नमस्ते, स्वागत है आपका। नोटिफिकेशन नहीं आया शिखा, आई डोंट नो व्हाई दिस हैपनिंग। आई थिंक आपने बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया है।
तो इसीलिए शायद नोटिफिकेशन नहीं आया। ये हमारी यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग है, प्लीज सब नोट कर लीजिए। हेलो वंश। अरे वो टंग ऑफ स्लिप था बेटा, मानसा मेरे बचपन से ही बच्चे नहीं थे। हाँ शॉर्ट नहीं बेटा, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हूं मैं, वो शॉर्ट समझता है। लेकिन वो HLW क्या था यार, HLW क्या है? पुनीत हेलो, वेलकम टू द क्लास, कैसे हो आप? निशांत, बच्चे कम है? अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, यहाँ वहां से आते हैं। प्रदीप सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अरे बाप रे, गुरुभ्यो नमः, क्या बात है, इतनी इज्जत, क्या बात है। नमस्ते, थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट, लव यू। मानसा मुझे भी नहीं आए सर आफ्टर सीइंग योर मैसेज। ओके, तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मेरे नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहे। ओ ये तो काफी दर्दनाक बात है। कोई बात नहीं बेटा, आएंगे जल्दी, आपको नोटिफिकेशन आया करेंगे। एक्चुअली बेल आइकॉन आप देख लो, या आपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन तो कहीं ऑफ नहीं करके रखा, ये भी आप देख लो। अच्छा आप अभी पता है कहां तक पहुंच गए? आप लोग यहां तक पहुंच गए सर, आप इस वीक के एंड तक पहुंच गए हो। बस 3 और लेक्चर्स एंड देन दिस यूनिट आल्सो विल गेट ओवर। अब हम लोग आधा हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो जाएगा और फिर कुछ दिनों में पूरा ही हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए आज हम देखते हैं कि कब कंडीशंस वारंटीज बनती है। तो आज हमने अभी तक इसमें क्या देखा सर? हमने देखा कंडीशंस और वारंटीज होती है। सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टिपुलेशन। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय स्टिपुलेशन? अच्छे से कौन लिख के बता सकता है, मैं देखना चाहूंगा। पुनीत बेटा हर दिन रहता है, मैं अपना स्केड्यूल हर दिन देता हूं, तुम लोग देखते ही नहीं हो मेरा स्केड्यूल, इतने प्यार से बनाया यार, थोड़ी तो इज्जत करो। उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके देखो, हर दिन 12 और 4:30 बजे मैं आता हूं बेटा, कल भी 12 और 4:30 बजे आऊंगा। पुनीत प्लीज डोंट मिस द क्लास। विष्णु को देखो आया नोटिफिकेशन, तो ऐसे ऐसा है ना कि यूट्यूब तो बेटा ऐसे नहीं करता, यूट्यूब सबसे इक्वल प्यार करता है। यश कोई बात नहीं, यश बेटा रात में देख लो, कोई ब्रो कोई बात नहीं, मैसेज जरूर करना, कमेंट जरूर करना आपने देख लिया तो। ओके हाँ, रिमाइंडर लगाना चाहिए, निशांत ने सही बोला। आप लोग अगर रिमाइंडर लगाएंगे, रिमाइंड मी करके एक बटन आता है जब भी हम क्लास शेड्यूल करते हैं। अभी मेरे आगे के सारे क्लास शेड्यूल हो चुके हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, अभी ये क्लास कंप्लीट होते ही प्लेलिस्ट में जाना, जितने भी आगे की क्लासेस सब में सेट रिमाइंडर करना, और इतना कर ही रहे हो तो लाइक भी दबा देना मेरे दोस्त। ओके चलिए चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ गुगली खेल रहा है बेटा शिकाई अभी, हाँ छोटा है बेटा प्रदीप। अरे मानसा ने आंसर दे दिया है, मजा आ गया, मजा आ गया आंसर पढ़ के। यस मानसा कह रही है, ध्यान से देखो, अ रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इफ अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलते ऐसा रिप्रेजेंटेशन विच 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 क्या, विच इज इसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, और आपको ऐसा लगता है कि उससे आपके कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट होने वाला है, दैट इज व्हाट अ स्टिपुलेशन इज। यस वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा स्टिपुलेशन के बाद आप बताइए, स्टिपुलेशन को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, कौन से 2 भाग में, जल्दी बताओ। लोग आ रहे हैं उनको देखने दो कि आप पढ़ के आए हो, बताओ स्टिपुलेशन को 2 भागों में डिवाइड किया था, कौन से 2 भाग थे बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। हमने एक किया था सर कंडीशन, और एक किया था वारंटी। कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा सर, कंडीशन इज द इसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा था सर स्टिपुलेशन प्लस इसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू कंडीशन। अच्छा इसी प्रकार आप मुझे बताइए, वारंटी का क्या हमने फॉर्मूला बनाया था बेटा? वारंटी का फॉर्मूला बताओ, वारंटी का फॉर्मूला बताओ। क्या आप सो रहे हो? क्या आपको मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं? आप जोशी के बेटा, जोशी के स्टूडेंट है, जोश में कभी मत आने दो, खटाखट आंसर लिखो, आग लगानी है आज अपने को। कंडीशन वारंटी कोलैटरल, वेरी गुड वेरी गुड, कोलैटरल होता है। अच्छा सर कंडीशन ब्रीच होती है तो क्या होता है? कंडीशन ब्रीच हो गई तो क्या होता है? रेपुटेशन। और अगर वारंटी ब्रीच होती है तो क्या होता है सर? आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, रेपुटेशन नहीं हो सकता। फिर हमने देखा था सर क्या, कि प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस का बताया था हमने। यस अच्छा ये मैं आपको नया पढ़ाने वाला हूं, रुको 1 मिनट। इसके बाद हमने सर प्राइस के बारे में देखा था कि क्या इसेंशियल होती है प्राइस, हमने बोला था नहीं, क्या इसेंशियल होता है? डिलीवरी यूजुअली। फिर हमने ये भी देखा था कि कंडीशन अगर ब्रेक होती है तो आप रिपीटेड कर सकते हो, वारंटी ब्रेक होती है तो आप रिपीटेड नहीं कर सकते, यू कैन क्लेम डैमेजेस। फिर हमने इन दोनों का डिस्टिंक्शन देखा। अब हम उसके आगे जा रहे हैं, अब हम ऐसी कंडीशन देखने जा रहे हैं जिसमें क्या लिखा है, देखो बेटा
कभी कभी ऐसा होता है सर कि कंडीशन को आप कंडीशन नहीं वारंटी ट्रीट करते हो। आपने अगर डिस्टिंक्शन ध्यान से देखा और आपने अगर राइटिंग प्रैक्टिस की जो मैंने आज दिया था, जैसे आई थिंक मानसा ने की, बहुत अच्छा मानसा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो मानसा ने जब आंसर लिखा तो उसको रियलाइज होगा कि ओके ऑल कंडीशंस, हमने क्या लिखा था बताइए, वारंटी और कंडीशन का आखिरी डिस्टिंक्शन क्या था सर बताइए? ऑल ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ब्रीच ऑफ वारंटी, लेकिन ऑल ब्रीच ऑफ वारंटी आर नॉट ब्रीच ऑफ कंडीशन। हम आज पढ़ने वाले हैं कि कब कब ऐसा होगा कि कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, यानी कंडीशन ब्रीच होने के बावजूद आप रिपीडिएट नहीं कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर पाएंगे डैमेजेस। ऐसा कब होगा? कुछ ही स्पेशल केसेस में ऐसा होता है। बहुत छोटा सा बैच है आज का, बहुत सिंपल स्वीट सा और छोटा सा बैच है बेटा, 4 या 5 स्लाइड्स के ऊपर नहीं है, अभी हम तुरंत खत्म कर देते हैं। यस मैं अपन बात करते बेटा इस बारे में, हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं बीसीआर भी, मैं आपको बताता हूं शॉर्टली। दोबारा मैं नहीं चाहता कि आप 2 बार एक ही चीज को पढ़ के टाइम वेस्ट करो, बट ऑफकोर्स हम लोग इस बारे में बात करेंगे। सर वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। कभी कभी ऐसा होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा होता है कि उसमें सेलर ने कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। हमारे पास लाखों एग्जाम्पल है, लेकिन हमारा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल होता है इस बारे में टिम्बर का। आपके पास स्टैंडिंग टिम्बर है एंड यू वॉन्ट टू सेल द टिम्बर, तो आप क्या करते हो? आप सेलर हो, आपके पास तो टिम्बर के झाड़ सारे लगे आपके पूरे खेत में। आप उनको बोलते हो कि सर आप ये सारा टिम्बर लेके जाइए एक फिक्स रेट में, 1000 रुपीज पर केजी और वॉट एवर द रेट यू फिक्स, बट आपको इसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सर क्या कंडीशन फुलफिल करेंगे बीइंग अ सेलर? आपको सारे के सारे टिम्बर के झाड़ काटने पड़ेंगे, कट करने पड़ेंगे, और उसको छोटे छोटे या इतने यूज यूज बॉक्स में इसमें कट करके कॉर्ड करके बांध के एक प्रॉपर जगह पे रखने पड़ेंगे, ताकि बायर आए और उसको उठा के अपने ट्रक में डाले और लेकर जाए। सो देयर इज सम कंडीशन विच हैज टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर बिफोर द सेल कैन बी टेकन प्लेस। इज दैट क्लियर? ओके, so where a contract of sale is a subject, where a contract of sale is a subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground of treating the contract as repudiated. ek bade dil ka buyer aapki ye galti ko maaf kar sakta hai. Let us take an example. Mr. A ke paas ye timber ke jhaad the, उन्होंने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया था कि मैं आप ये सारे झाड़ मुझसे खरीद के ले जाइए। झाड़ कैसे खरीदेंगे? तो मैं इसको कट करके और कॉर्ड करके रखूंगा, आपको सिर्फ आना है और इसको खरीद कर ले जाना है, व्हाटएवर कितना भी किलो होगा उसके हिसाब से पैसे देना और लेकर जाना। अब क्या हुआ सर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टेलर ने ये कट करना और कॉर्ड करना भूल गया। सर क्या बात करे, तो घोर अन्याय, घोर पाप है सर, इसको तो सर आग लगे, तो नरक में जाएगा सर, इसको आग लगाओ। नहीं बेटा इतना कुछ नहीं होता, इतना इतना एक्सट्रीम मत जाओ। तो भाई वो भूल गया। अब ना मिस्टर बी, लेकिन बहुत बड़े दिल का इंसान था मिस्टर बी, बहुत बड़े दिल का इंसान था मिस्टर बी, बोलता है देखो सर आपकी गलती हो गई, मैं समझता हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है। उसके रीजन कई हो सकते हैं कि मुझे आपसे ज्यादा सस्ते में कोई और टिम्बर नहीं दे रहा है, इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू रेप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रेदर आई विल चूज टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। मैं आपको बोलूंगा सर मैं अभी 4 ट्रक लेकर आया था, इसलिए इसमें मुझे टोटल 10,000 का खर्चा हुआ है, बट क्योंकि आपने कट और कॉर्ड करके नहीं रखा है तो मुझे तो ये ट्रक अब खाली भेजने पड़ेंगे, तो एक काम करो आप ना मेरे को ये बस एज अ डैमेजेस पे कर दो 10,000 रुपए, मुझे बुरा नहीं लगा कि आपने कट करके कॉर्ड करके नहीं रखा, आप इसको नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट मंथ तक कट करके कॉर्ड करके रखो, मैं दोबारा आऊंगा और तब ये लेकर जाऊंगा। आई डोंट वॉन्ट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कैन दिस हैपन कि आप चूज कर रहे हो यार, अब बायर है, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि सेलर ने कोई चीज करनी थी उसने नहीं की। फॉर एक और एग्जाम्पल, मुझे पता है बच्चों के एग्जाम्पल से चीज अच्छी समझती है। मिस्टर ए के पास एक BMW है, वाह ऐसे नहीं करने का, तुम्हारे पास भी रहेगी, और सर उस BMW को वो बेचना चाहता है मिस्टर बी को। नाउ मिस्टर बी एक रिक्वेस्ट करता है सेलर से, सर आप इसकी सर्विस, ठीक है, प्लस इसका पॉलिशिंग ये आप करके रखिए, ठीक है, और आप मुझे बताइए, और जिस दिन ये हो जाएगा मैं, या ये करके रखिए एक वीक के अंदर, मैं नेक्स्ट वीक आके आपसे गाड़ी लेकर जाऊंगा।
अब यहां पे मिस्टर ए जो है ये बीएमडब्ल्यू की सर्विसिंग या पॉलिशिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मिस्टर बी बोल रहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर, एक काम करो आप मुझे पैसे दे दो इसके सर्विसिंग के और इसके पॉलिशिंग के, आप मुझे पैसे दे दो जो भी इसका, फॉर एग्जाम्पल सर्विसिंग का इसका कॉस्ट आएगा 25,000 या 20,000, पॉलिशिंग का कॉस्ट आएगा 10,000, एक काम करो आप मुझे 30,000 रुपीज पे कर दो एज अ डैमेजेस, आई एम नॉट इन द मूड टू रेपिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन मिस्टर बी डू सो, जल्दी हाँ या ना में बताइए। Yes, और सर इट इज लॉजिकल, जो रेट में मुझे मिस्टर ए बीएमडब्ल्यू भेज रहा है मुझे कोई और नहीं बेच रहा है, या मुझे वो पर्टिकुलर बीएमडब्ल्यू बहुत पसंद है जो कहीं और कोई बेच नहीं रहा है, वॉट एवर द रीजन इज आई डोंट वॉन्ट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वेरी मच पॉसिबल, आपको यहां पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है ये पावर। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेवर, वेवर यानी सर माफ कर देना। आज का बहुत छोटा सा क्लास होने वाला है निखिल, गुड इवनिंग बेटा, छोटा सा क्लास होने वाला है, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, जागते रहना, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे जोर से नींद आ रही है, जितने जोर से नींद आ रही है उतने जोर से इस हाथ से अपने आप को जोर से, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा बेटा मैं, पानी मार के आना है, अरे इस हाथ से पानी लेना मुंह पे मार के आने का, मुंह पे मार दिया क्या हाथ किसी ने, अरे मजाक कर रहा था बेटा, तुम एक मेरे को क्या मारने लग गए गंदे बच्चे। तो अभी मैंने आपको दो एग्जांपल बताए जहां पर सेलर ने कुछ काम करना था लेकिन सेलर नहीं कर पाया, लेकिन बायर ने उसको वेव ऑफ कर दिया। ओके, यू कैन वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडेटेड। लेट अस रीड फर्दर। जय नाम, वेलकम बेटा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। जेसन आप जो भी बोल रहे हो कृपया करके ट्रांसलेट करो, नहीं समझ रहे। ओके नेक्स्ट, वेयर, अरे किधर गया मैं, हाँ, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा इधर है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेवरेबल नहीं है ना, आप सेपरेट नहीं कर सकते, वन कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडेट, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू दैट इफेक्ट। तो इसका भी एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या 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 हो रहा है जैसन, एक और बार बताऊं, ओह वाओ सो स्वीट, थैंक्स, लव यू जेसन, थैंक्स शिका फॉर मतलब मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। ओके मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं यहां पर, एक मिनट जेसन, आप क्या पॉइंट नंबर 1 रिपीट करने बोल रहे हो जहां पे वेवर ऑफ हुआ है, या आप ये जो अभी मैंने जस्ट पढ़ा इसको रिपीट करने बोल रहे हो नॉट सेवरेबल का, आप वो बताइए, तब तक मैं नॉट सेवरेबल एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखो सर नॉट सेवरेबल की बात देख लो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल मिस्टर ए का, नाउ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि ये सेवरेबल नहीं है, मतलब आप इसको अलग अलग पार्ट में नहीं बांट सकते, वन कॉमन कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है क्या कि जो गेहूं या चावल होता है वो उसके कवर के साथ भी मिलते हैं, क्या आपको पता है ये चीज, क्या किसी ने देखा है, जो चावल होता है, चावल बेटा, चावल, चावल के आपने क्या खेत देखे है कभी, एक ऐसे कवर होता है उसके अंदर चावल का दाना होता है, आपने देखा है कभी, यस, एक ऐसा चावल का दाना होता है। तो आपने मिस्टर ए से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मिस्टर बी ने, कि वो पूरा का पूरा चावल उसमें से मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा चावल निकाल के, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप चावल निकाल के उसके बाद मुझे बेचेंगे ये रेट पे ये पर्टिकुलर चावल, ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन मिस्टर ए ने उसको निकालना रह गया, उसके उसके पास वो मशीन नहीं थी या उसके पास टाइम नहीं था, व्हाट एवर द रीजन में भी, अभी भी चावल उसके वो कवर के शेल के अंदर ही है, चावल बाहर नहीं है, एक एक चावल अंदर है, तो यानी इसका मतलब एडिशनल प्रोसेस करनी पड़ सकती है उसमें से चावल निकालने को। तो हम यहां पर इसको बोलते हैं धान, धान में से चावल निकालना, ये इसका एक प्रोसेस होता है, इट इज एग्रीकल्चर का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि चावल बेटा ऐसे नहीं लगते कि आप उठा के लगा लो, उसके अंदर होते हैं, आपको उसमें से निकालना होता है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी ने यहां पर देखा कि यार अरे इसने चावल तो निकाला ही नहीं है, तो पूरा का पूरा धान के अंदर ही है, तो क्या करे, तो मिस्टर बी ने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो यहां पर प्रोसेस,
मिस्टर बी ने वैसा ही चावल एक्सेप्ट कर लिया, पूरा एक्सेप्ट कर लिया, मना नहीं किया। अब एक बार अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और अच्छा एक्सेप्ट करते हो, कुछ ऐसा बोला नहीं कि आपने निकालने की बात की थी, आपने निकाला नहीं है इसलिए मैं आपको मतलब मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि जो एक काम, जो मेन काम मिस्टर ए ने करना चाहिए था, वो चावल को उसके धान से निकाल के सेपरेट करना चाहिए था, वो उसने नहीं किया है, फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर बायर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में उसको वापस वो ब्रीच बोल के, ब्रीच ऑफ कंडीशन बोल के रेप्यूडेट नहीं कर सकता। और ये लॉजिक भी है, यहां पे नो रेप्यूडेशन पॉसिबल। वाई सर, वाई इज इट नॉट पॉसिबल? सर अगर आपको रेप्यूडिएट ही करना था तो आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया? जब आपको मालूम था कि मिस्टर ए ने धान और चावल अलग नहीं किए तो आप सीधा सीधा ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट करने से मना कर देते, फिर भी आपने चावल एक्सेप्ट कर लिया, चावल ले लिया, अपने पास रख लिया, आप उसको बेचना भी स्टार्ट कर रहे हो, एंड देन आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं चावल तुमने जैसे प्रॉमिस किया था वैसा नहीं भेजा, तो मैं अब रेप्यूडिएट करता हूं, मुझे क्लेम, आई वॉन्ट टू क्लेम डैमेजेस प्लस आई वॉन्ट टू माई रिफंड ऑफ माई मनी। सो इट इज नॉट पॉसिबल। बेटा ये दो पॉइंट्स आपको बस पढ़ने हैं इसमें, और कुछ भी पढ़ना नहीं है। देखो निशांत का खेद है, यस मानसा और प्रदीप, पैडी इज द करेक्ट वर्ड, यस लास्ट। नथिंग इन दिस सेक्शन, ये वाला सबसे अच्छा है, देखो क्या बोल रहा है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिल्ड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ विच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इधर? बोले ऐसा अगर कुछ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना आपको लॉ मना कर देता है, विच इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या अदरवाइज, वॉट एवर द रीजन इज। अगर ऐसा है कि जो भी आपका कंडीशन था, जो आपने कंडीशन लगाया था, इट इज द कंडीशन कैन नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ और इट इज इम्पॉसिबल टू डू और फॉर एनी रीजन व्हाट्स एवर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। इन दैट केस नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और रेप्यूडिएटेड। सर ये कैसे हो सकता है कि लॉ आपको रोके? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, लेट अस बेटा टेक एन एग्जाम्पल। तो यहां पर देखो लॉ बोलता है इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, अगर आपको पेट्रोल ट्रांसफर करना है तो आपको वेरीफाइड टैंकर्स जिसपे क्लियरली लिखा हो कि इनफ्लेमेबल पेट्रोल डीजल वॉट एवर यू आर ट्रांसपोर्ट, इसमें क्लियर लिखा हो, इसी में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और उसके अलावा नहीं कर सकते, उसके भी बहुत रूल्स है। नाउ आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने आपको बोला है कि मुझे ये ट्रक में भर के चाहिए पेट्रोल, जो है ये ट्रक में या तो ड्रम में या किसी एक इसमें मुझे भर के चाहिए। अब सेलर भी बेचारा जोश में आके हाँ बोल दिया, लेकिन लेकिन बाद में पता चला कि ये ड्रम में ट्रक में भरना हमको लॉ ही परमिट नहीं करता। लॉ इटसेल्फ बोलता है कि आपको इसके स्पेसिफिक एक टैंकर्स होते हैं। सर लॉ क्यों बोलता है? ताकि बेटा एक्सीडेंट्स ना हो और एक मास बोलते ना बहुत बड़ा ब्लास्ट ना हो और इससे बहुत सारे लोग ना मर जाए, क्योंकि ये पेट्रोल पंप सिटी के अंदर होते हैं और वहां सिटी के अंदर तक इतना बड़ा ट्रक लाना एंड ऑल इट कैन गेट वेरी रिस्की, प्लस टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकता है कि यहां पर प्रेशर चेंज हो जिसकी वजह से अंदर भी कंपोशन हो सकता है बिकॉज इट इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में आप इसको मतलब नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, अब क्योंकि सेलर ड्रम में नहीं भर पाएगा लॉ उसको मना करता है, इन दैट केस दे फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन नहीं हुआ बोल के आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते बिकॉज लॉ ने उसको रोका था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो बेटा लॉ ने कैसे रोका? केवे टेम्प्टर बेटा हाँ पढ़ेंगे हम लोग, वो भी पढ़ेंगे। तो कभी कभी लॉ भी या सर्कमस्टेंसेस भी आपको रोकते हैं। सर सर्कमस्टेंसेस या कैसे रोकते हैं? सर बेटा अगर अभी जैसे लॉकडाउन आ गया था कोरोना की वजह से, तो ऐसे केस में तो आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो आपने अगर मुझे बोला था कि कल तक ही ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहिए, दैट इज द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बट ड्यू टू लॉकडाउन आई वॉज नॉट अलाउड बाय लॉ टू ट्रांसपोर्ट इट, तो जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अलाउड टू ट्रांसपोर्ट इट आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते बिकॉज ये जो मतलब नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है ये मेरे वजह से नहीं है, ये लॉ की वजह से आई है। समझ गया आपको ये तीन पॉइंट? देखूंगा मैं आपको समझ में आया कि नहीं, अभी अभी मुझे पता चल जाएगा। लेट अस सी सम एनालिसिस। सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस
वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप रेप्यूटेशन तक नहीं जाएंगे, सिर्फ डैमेजेस तक रुक जाएंगे, यानी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ही ट्रीट करेंगे। कब? एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बायर लूजेज इज राइट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली। इन द फॉलोइंग केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट। आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो या आप अगर मेरी नोट डाउनलोड करने वाले हो तो बेटा प्लीज याद रखना, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। सर वाई? बिकॉज़ इसमें क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है कि कब ऐसा होगा कि आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया। बिकॉज क्या होता है ना, बच्चे के दिमाग में अटक जाता है, अरे यहाँ पे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है, दिस हैज टू बी रिसाइंडेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी वॉइड, रिसाइंडेड, कैंसल्ड, रेप्यूडिएटेड। बट बेटा ये अगर नीचे दिए हुए कंडीशन है, तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन की वजह से अगर आप अपनी फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन नहीं कर पाए ये तीन सिचुएशंस में, टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट गेट रिप्यूडिएटेड एंड यू कैन ओनली एंड ओनली क्लेम डैमेजेस। पहला, जब बायर खुद बड़े दिल का है और वो बोलता है कोई बात नहीं आपने सर्विसिंग नहीं कराया, कोई बात नहीं मुझे पैसे दे दो मैं सर्विसिंग करा लूंगा। When the buyer altogether waives the performance of the condition, a party may on for his own benefit waive a stipulation. जैसे मैंने आपको बताया मुझे जो रेट में टिम्बर आपसे मिल रहा है या मुझे जो रेट में बीएमडब्ल्यू आपसे मिल रही है मुझे बाहर नहीं मिलती इतने कम में, तो भले ही आपने सर्विसिंग नहीं कराया, भले ही आपने कट एंड कॉर्ड करके नहीं रखा है टिम्बर, फिर भी मैं आपसे ही लूंगा। आई एम नॉट रिप्यूडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज हेंसफोर्थ बीइंग कैंसल्ड और समथिंग लाइक दैट। नो, थोड़ा सा डैमेजेस दे दो बस, आप डैमेज दे दो हम खुश है, हमको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने बोलने का नहीं। सेकेंड ये अच्छा है, वेयर द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी। बायर को खुद को चूले, वो बोलता है कि नहीं मैं भले ही यहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, मैं खुद देखो भाई प्रॉब्लम किसका है, नुकसान मेरे को हो रहा है ना, मैं फिर भी इसको ट्रीट करता हूं एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, तो क्या मैं कर सकता हूं? यस आई एम अलाउड टू डू दैट। ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रिप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेट अस टेक वन एग्जांपल, फिर मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है बाय द वे। ओके, सो लेट अस सी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला आई वॉन्ट टू बाय अ कार फॉर टूरिंग पर्पज। क्या आपको ऐसा सुना सुना सा लग रहा है? यस सर, सुना सुना सा है, अभी आपने 12 बजे वाले क्लास में एग्जाम्पल लिया था। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार जो टूरिंग के लिए बेस्ट हो। तो मिस्टर बी ने एक कार मारुति बताई, आपको मारुति कार बताई। तो ना मारुति कार आपको बताई, आपने इसके ऊपर बेस करके मिस्टर ए ने मारुति खरीद ली, मिस्टर ए परचेस्ड मारुति। अब क्या होगा आपको पता है आगे क्या होने वाला है? क्या हुआ सर? मारुति वॉज नॉट फिट फॉर टूरिंग पर्पस। बताओ क्या होगा बेटा? इफ इट इज नॉट फिट फॉर टूरिंग क्या करेंगे आप? अब आप बोलोगे सर 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 मैं बताता हूं दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड सर बिकॉज दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन आई हैव अ राइट टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल गिव हिम बैक हिज कार एंड आई विल आस्क फॉर माई मनी बैक ऑल्सो, आई कैन आस्क फॉर एडिशनल डैमेजेस। बेटा रुको, नाउ मिस्टर ए थिंक्स दैट, ध्यान से देखना, भले ये टूरिंग के लिए अच्छे नहीं है बट इट इज वेरी कंफर्टेबल। ओके, पहला, इट इज वेरी सेफ एंड इट लुक्स ऑसम, लुक्स ऑसम। सो मिस्टर ए खुद ही इज रेडी टू पार्डन मिस्टर बी फॉर दिस ब्रीच ऑफ कंडीशन। मिस्टर ए बोलते हैं मिस्टर बी को कि सर आपने, आपको मैंने बोला था कि मुझे टूरिंग का व्हीकल चाहिए, आपने मुझे ये पकड़ा दिया। अब देखो, क्योंकि जब से मैं ये व्हीकल यूज कर रहा हूं टूरिंग में तो मुझे परवर्ड नहीं रहा है, बिल्कुल इट इज नॉट परवर्डेबल, माय ओन इन्वेंशन, आई कॉइंड द वर्ड परवर्डेबल। परवर्डेबल ना, अरे परवर्डेबल नहीं है, मतलब परवर्डेबल मजाक करा, ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बेटा, ये हिंदी को मैंने इंग्लिश लगाया है, तो ये परवर्ड नहीं रहा है मेरे को, परवर्ड ना, यानी इट्स नॉट बेनिफिशियल टू मी। सो व्हाट इंस्टेड व्हाट यू सेड वाज कि ओके जस्ट गिव मी 10,000 रुपीज एज अ कंपेंसेशन और डैमेज, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। मीन्स आप खुद जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको आप ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर रहे हो एंड दैट इज परफेक्टली फाइन, यू कैन डू दैट। वेरी गुड, ओके, नेक्स्ट
और भी है बेटा, इतने में खत्म नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल इनका भी ले लेते हैं, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है। ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 bags ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर। सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट क्वालिटी शुगर? बेस्ट क्वालिटी शुगर। फर्स्ट क्वालिटी शुगर एट 625 rupees पर बैग। ध्यान से देखना, ए ने बी को बोला मैं 10 bag दूंगा बेस्ट क्वालिटी, यानी फर्स्ट क्वालिटी जो होता है, जो इंपोर्ट क्वालिटी होता है समझ लो, वो सॉरी एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो बेस्ट क्वालिटी होता है, वो फर्स्ट क्वालिटी शुगर मैं आपको दूंगा 10 bag 625 rupees पर बैग के रेट से। बट जब वो सप्लाई करता है ना, ध्यान से देखना बेटा, सप्लाई करते वक्त वो फर्स्ट क्वालिटी नहीं सेकंड क्वालिटी शुगर सप्लाई कर देता है। अब सर क्वालिटी इज अ इसेंशियल पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट, यानी इट इज नॉट अ वारंटी, इट इज अ कंडीशन। मैंने बोला है फर्स्ट क्वालिटी, तो मैं फर्स्ट क्वालिटी ही लूंगा, मैं सेकंड क्वालिटी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर ए ने क्या कर दिया, सेकंड क्वालिटी शुगर सप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि सेकंड क्वालिटी शुगर सप्लाई किया लेकिन रेट फर्स्ट क्वालिटी का लगा रहे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेकेंड क्वालिटी शुगर सप्लाई किया है और वो रेट भी सेकेंड क्वालिटी का लगा रहा है। देखो सिर्फ 600 रुपए पर बैग, क्या रेट लगा रहा है, द प्राइस ऑफ विच इज 600 पर बैग। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने 625 से पेमेंट किया है और आपको जो माल आया वो 600 का है, आप चाहो तो इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे करेंगे हम, सिंपल है बेटा। आप उसको बोलो कि हमने आपसे फर्स्ट क्वालिटी शुगर मांगा था, वो बोलेगा हाँ। आपने हमको सेकंड क्वालिटी शुगर दिया, वो बोलेगा हाँ। हमने आपको फर्स्ट क्वालिटी का 625 पर बैग दिया है, वो बोलेगा हाँ। आपने हमको 600 रुपए वाला बैग भेजा है, वो बोलेगा हाँ। आप मुझे 25 रुपए पर बैग रिटर्न कर दो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस सेकेंड क्वालिटी शुगर एज वेल बिकॉज इट लुक्स फाइन टू मी। इज इट पॉसिबल बेटा, क्या आप ये कर सकते हो? यस, देर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। पहला ऐसा हो सकता है सर कि आप उनको बोलो कि नहीं चाहिए मेरे, मैंने तेरे को फर्स्ट क्वालिटी बोला था, मेरे को फर्स्ट क्वालिटी ही चुना, भाई ने बोलेगा फर्स्ट क्वालिटी तो फर्स्ट क्वालिटी। लेकिन एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, इफ द बायर सो इलेक्ट, यानी अगर बायर की इच्छा है तो ही मे ट्रीट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। और वो क्या बोलेगा, आई एक्सेप्ट द सेकेंड क्वालिटी शुगर बट प्लीज पे मी डैमेजेस ऑफ ₹25 पर बैग, बिकॉज जो क्वालिटी आपने मुझे सेंड की है उसका 600 का रेट है और मैंने आपको पे किया है 625 के रेट। ताकि क्या होगा सर, आपका जो 25 रुपए एक्स्ट्रा पे हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा एंड दोनों हैप्पी, दोनों पार्टी अपने अपने खुश रहेंगे। क्या आपको अच्छा लगा ये बीच का सोल्यूशन? यस, ओके। नेक्स्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेवरेबल, यानी अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, द बायर हैज एक्सेप्टेड आइदर द होल गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ। अब अगर जैसे वो व्हीट और पैडी का मैंने आपको, सॉरी राइस और पैडी का मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बोला था कि पैडी से निकाल के मुझे ओनली राइस चाहिए, लेकिन आपने वो निकाला नहीं और स्टिल मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं सोचे जानने मैं निकाल दूंगा, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा सर देखो पहले मैं आपको ज्यादा रेट देने के लिए तैयार था, अब मैं आपको कम रेट दूंगा। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि सर पहले आप मुझे राइस निकाल के दे रहे थे, अब आपने मुझे पैडी सहित दिया है, अब मुझे वो प्रोसेस मेरे पास करनी पड़ेगी ताकि मुझे वो राइस निकालू और फिर उसको मैं बेच सकूं, तो इसका एक मुझे एडिशनल कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट आप मुझे दे दो, मैं वो काम कर लेता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू रिसाइंड और आई डोंट वॉन्ट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू आवर कॉन्ट्रैक्ट, बट मुझे क्लेम करना है कुछ डैमेजेस। डज इट साउंड लॉजिकल टू यू? वो पहले आपको राइस पैडी में से निकाल के देने वाला था बट उसने नहीं किया, सो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट आपने वो पैडी सहित राइस एक्सेप्ट कर लिया, आपने बोला कि मैं निकाल लूंगा उसको पैडी के अंदर से, जो भी इसका कॉस्ट आएगा वो मैं आपसे क्लेम कर लूंगा। इज इट अ गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम और नॉट? यस, इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे वो कंपल्शन हो जाता है। एक्सेप्टेंस मींस एक्सेप्टेंस एज एनविसाइज्ड इन सेक्शन 72 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम लोग देखेंगे। वेयर द फुलफिलमेंट where the fulfillment of any condition or warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise। जहां पे मैंने आपको लॉकडाउन का बोला या कि वहां पे वो नहीं तुरंत कर पाया या और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, लॉ ने आपको मना, जैसे मैंने पेट्रोल और टैंकर का बताया कि आप जो कंडीशन लगा रहे थे वो कंडीशन लॉ हमको करने से मना करता है। इन दैट केस, जैसे और बहुत सारे है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे लॉ आपको रोकता है कि नहीं नहीं बेटा आप ये नहीं कर सकते, और आप ये नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, सिंपल एंड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको वो कंडीशन जरूरी थी, आपके लिए वो इट वाज अ कंडीशन, बट क्योंकि लॉ वो कंडीशन फुलफिल करने नहीं देता है, लॉ बोलता है कि पेट्रोल आप नॉर्मल ड्रम में नहीं भर सकते, तो नहीं भर सकते।
आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कुछ इलीगल करने के लिए, एंड दिस ब्रीच ऑफ कंडीशन विल हैव टू बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ओके, समझा गया बेटा? बस इतना ही था आज का, खत्म हो गया, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो यहां पर दो टाइप की चीजें आपके सामने आती है, पहला है वॉलेंटरी वेवर और दूसरा है मैंडेटरी वेवर। वॉलेंटरी वेवर में बोला है कि खुद बायर वेव्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बायर बोलता है अच्छा रहने दो यार, कोई बात नहीं, छोड़ो सर्विसिंग मैं करा लूंगा, या मैं कर्टन कॉर्ड करवा दूंगा, छोड़ो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते लेकर जाता हूं। तो इसको बोलते हैं बायर खुद ने किया, तो ये वॉलेंटरी वेवर है, राइट। सेकेंड, यू इलेक्ट टू ट्रीट कंडीशन एज वारंटी। आपको रेप्यूडिएट नहीं करना है क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट इससे सस्ता कहीं और नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको गाड़ी का बताया कि आपको मारुति आपके पर्पस के लिए नहीं फिट होती, वो गाड़ी जो है मारुति आपके पर्पस में फिट नहीं होती, फिर भी आप उसको रेप्यूडिएट नहीं करना चाहते बिकॉज उसके लुक्स अच्छे है, उसका फील अच्छा है, उसका कंफर्ट अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड गाड़ी है और आपको बहुत सेफ लगी, उसका एनकैप रेटिंग बहुत अच्छा है, और ये रीजन से आपने वेवर कर दिया। तो ये दो जगह पे आप वॉलेंटरी करते हो और दो जगह पे आप कंपल्सरीली मैंडेटरीली करते हो। कंपल्सरीली कैसे होता है? नॉन सीवियरेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को आप सीवियर यानी दो भागों में नहीं डिवाइड कर सकते। एक जैसे पैडी वाला कॉन्ट्रैक्ट है कि बस वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, उस केस में आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है तो अब बस अब गुड्स एक्सेप्ट कर लिया तो आप डैमेजेस क्लेम करो, सिंपल। और दूसरा कि लॉ आपको मना करता है, अगर बेटा लॉ ही आपको मना करता है कि ड्रम में पेट्रोल भरने का नहीं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो आप कुछ इलीगल नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे ये चार केसेस के अंदर देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ध्यान से देखना इन चार केस में क्या होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। सर क्या फर्क पड़ता है? सर आप 1 घंटे से पढ़ा रहे हो, एक एक सवाल है सर मेरा आपसे, एक सवाल, क्या फर्क पड़ता है सर मैं कंडीशन का ब्रीच पकड़ू या वारंटी का ब्रीच पकड़ू? सर फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कंडीशन को ब्रीच पकड़ता तो यहां पे रेप्यूडिएशन हो सकता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं वारंटी को ब्रीच पकड़ रहा हूं तो मैं आई कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेजेस। तो सर यहां पर ये दो केस में आप वॉलेंटरीली रेप्यूटेशन का ऑप्शन खुद के लिए बंद कर रहे हो और क्लेम कर रहे हो डैमेजेस, और यहां पे कंपल्सरीली आप रेप्यूटेशन नहीं कर पाओगे और आपको क्लेम करने पड़ेंगे डैमेजेस। कुछ भी पॉइंट नहीं समझा है अभी बोलो, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। यस, बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है, आई नो, बिकॉज मैंने देखा है बहुत ज्यादा पढ़ाने से बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही है, छोटे छोटे कंसेप्ट जो मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए प्रदीप, कौन से केस में आप बोल रहे हो कि सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हाँ अच्छा, आप गवर्नमेंट के इसमें बोल रहे हो, इफ इट इज एक्सक्यूज बाय गवर्नमेंट और इम्पॉसिबिलिटी, यस, इफ इन दैट केस आप तो डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते, यू हैव टू आइदर कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। यस निशांत, आपने तो बोला छोटा छोटा पढ़ाओ सर, ज्यादा ज्यादा मत पढ़ाओ, इसलिए मैं छोटा छोटा पढ़ा रहा हूं। चलो तुरंत में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी लोग देख लो, जो लोग नए आए हैं, जो लोग ने स्टार्टिंग से नहीं देखा वो लोग यहां देख लो। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा स्टिपुलेशन, वो क्या है सर? ये रिप्रेजेंटेशन विच इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन दो तरह के हो सकते हैं सर, कंडीशन और वारंटी। अब कंडीशन और वारंटी के बारे में सर आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। क्या कंडीशन, ये क्या होता है सर? ये इसेंशियल पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट है। वारंटी जो है ये कोलेटरल पार्ट ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट है। इसेंशियल पार्ट अगर मिसिंग है तो आप रेप्यूडेशन कर सकते हो, कोलेटरल पार्ट अगर मिसिंग है तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। यानी कंडीशन ब्रीच हुई तो आप क्या करेंगे जल्दी बताओ? कंडीशन ब्रीच हुई तो सर रेपुटेशन होगा, वारंटी ब्रीच हुई तो सिर्फ डैमेजेस क्लेम करेंगे। इसके बाद सर आपने हमको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जब है सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल बाय द सेलर, तो वहां पर बायर में वेव ऑफ सेलर कि भाई ठीक है तू नहीं कर पाया मैं कर लूंगा। इसमें एग्जांपल कौन सा लिया था हमने? बीएमडब्ल्यू के सर्विसिंग का। फिर देयर वाज अ केस जहां पे पैडी और राइस उसको अलग निकालने बोला था लेकिन वो नहीं निकाल पाया। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मैं निकाल लेता हूं, तू मुझे डैमेज दे दे। इसके बाद था सर कि अगर लॉ आपको रोकता है, जो हमने पेट्रोल के टैंकर का बात किया, तो उस केस में तो आप डैमेजेस भी क्या ही क्लेम करेंगे, लॉ आपको मना करता है, आपने खुद से नहीं करा, आप तो कंडीशन फुलफिल करना चाहते हो, लॉ आपको रोक रहा है, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट
सेक्शन 13 स्पेसिफाइज केसेस, जैसे अभी इसमें आप ना ये भी पकड़ सकते हो। देखो हम मैं आपको बताता हूं, अगर आपके घर में किसी का शादी था, फंक्शन था, और आपने किसी को कुक, ये मैं वारंटी वाला जो है ना, ये एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। सपोज करो कि आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, या मैरिज फंक्शन है, और मैरिज में क्या हुआ है, आपने एक बंदे को असाइन किया कि शादी का खाना जो फूड है वो पूरा वो बनाएगा। सपोज करो कि आपके यहाँ पे नॉनवेज खाते थे, तो सब आपने बोला कि मुझे बीफ पक्का चाहिए, मतलब वट एवर यू मेक उसमें बीफ होना चाहिए। ओके, तो वो बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब परफॉर्मेंस का बारी आया, एंड इट वाज द मेन कंडीशन, आपने बोला कि हमारे यहाँ जो भी लोग आएंगे मेहमान, अगर उनको बीफ नहीं मिला सो दे लाइक थिंक कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा नाम खराब हो जाएगा, वट एवर वट एवर, बट आपको बीफ बनाना होगा। बट शादी की डेट आते आते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके पर्टिकुलर स्टेट ने बीफ को बैन कर दिया। मैं हमेशा यही एग्जाम्पल देता हूँ, आई डोंट नो वाई, मुझे रीसेंट एग्जाम्पल देना पसंद है। अब क्योंकि बीफ बैन हो गया, क्या आप उसको बना पाएंगे? अब तो मिलेगा ही नहीं सर, कहां से बनाएंगे? तो अब आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन लेकिन मैं आपसे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज आप अपने मन से ये कंडीशन ब्रीच नहीं कर रहे हो, आपको लॉ मजबूर कर रहा है कंडीशन ब्रीच करने। क्या आपको समझ में आई ये बात? आपको समझ में आई बात? कैसे आपको लॉ रोकता है? तो लॉ रोक रहा है तो सर बेचारा आगे वाला आदमी क्या करे, वो बाकी सारा खाना बना के देगा, बट जो भी बीफ वाला आइटम था वो नहीं बना पाएगा, बिकॉज लॉ इटसेल्फ उसको अलाउ नहीं करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे लॉ भी रोकता है आपको कोई चीज करने से। तो ये तीन चीजें, इसका एनालिसिस हम कर लेते हैं। एनालिसिस में हमने बोला कि सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि आप कंडीशन ब्रीच ऑफ, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो खुद से वेवर कर दो, चलो सर कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, डैमेजेस दे दो। दूसरा कि दूसरा आप उसको बोल दो, क्या क्या दूसरा क्या बोल रहे हो आप उसको बोल रहे हो कि मैं खुद इस ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कंसिडर करता हूं, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट बट गिव मी सम डैमेजेस। और तीसरा लॉ आपको सीवियर नहीं हो सकता, आपने उसको उसका पार्ट एक्सेप्टेंस कर लिया है, और पार्ट एक्सेप्टेंस कर लिया तो अब आप उसको मना नहीं कर सकते। एंड लास्ट लास्ट है सर एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, इफ इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ और इफ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म नाउ, इस केस में भी आप उसको रेपुडिएट नहीं कर सकते। अब मैं चालू कर रहा हूं दोस्त, अब मैं चालू कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स, क्या सब लोग रेडी है? शिखर ज्यादा छोटा हो गया मेरे को, तुम लोगों ने बोला सर 45 मिनट्स का पढ़ाने का और 15 मिनट के क्वेश्चन, 15 मिनट नहीं होता, दो दो एक 2-3 मिनट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का हो जाएगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 15 मिनट, तुम बोलते छोटा हो गया। तुम लोग को चाहिए क्या है मेरे को बताओ, व्हाट डू यू वांट लाइफ में, चाहिए क्या है तुमको? हाँ तो अच्छा ज्यादा ही छोटा, अच्छा ठीक है यार अगली बार बड़ा लाऊंगा। ये ऐसे मत करो यार, बॉयकॉट मत करो, बेचारी इतना अच्छे से मेरे को बताती है। बाप रे, निखिल बोल रहा है कम से कम समझ में तो आएगा, मतलब इतने दिन से जो मैं पढ़ा रहा हूं, ओ माय गॉड, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, घोर पाप है ये, बॉयकॉट निखिल। नहीं नहीं यार बच्चा अच्छा है, ऐसे लिख दिया उसने, छोटे एक्सेस ठीक है। अच्छा अरे किधर राशि वाशी जा रहे हो? सर प्रदीप, यू विल नॉट बी एबल टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, एटलीस्ट यू विल नॉट बी एबल टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आप उस हलवाई को नहीं बोल सकते कि जा जा अब तू बीफ नहीं बना सकता ना, जा जा अब मैं तेरे से कुछ भी खाना नहीं बनवाऊंगा, यू कांट से दैट। वाई? बिकॉज आपको रेप्यूडिएशन का राइट ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एनीमोर, इट इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। समझे क्या प्रदीप? आप रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, वो बचा हुआ खाना बनाएगा और आपको उसके पूरे पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छा अब आप बोल रहे हो कि सर अभी वो अगर बीफ नहीं बनाता है तो व्हाट, एटलीस्ट आप डैमेजेस नहीं क्लेम करोगे, लेकिन आप क्वांटम मेरिट तो पता है आपको, क्वांटम मेरिट पता है, तो क्या आप बीफ वाला पैसा दोगे उसको? एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जो भी आपका पहले डिसाइड हुआ होगा, वो जो भी आपका प्राइस डिसाइड था, दैट वॉज डिसाइडेड कंसिडरिंग द फैक्ट कि शादी में बीफ बनने वाला है, बट क्योंकि गवर्नमेंट ने बीफ बैन कर दिया, शादी में बीफ नहीं बन सकता, बीफ नहीं बन सकता, तो आप क्वांटम मेरिट का प्रिंसिपल यूज करेंगे और यू विल नॉट पे फॉर द बीफ। तो इनडायरेक्टली ये तो हो गया ना बेटा, डैमेज नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट पैसे तो कम दोगे ना आप उसको, लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, यू कांट रिपीट द कॉन्ट्रैक्ट।
यस निशान। अच्छा है एलेक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलकम टू द क्लास। आई डोंट नो हाउ टीचर हाउ अदर कंट्रीज आर ट्रीटिंग टीचर्स, बट आई नो दैट इंडिया इज नोन फॉर रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स एंड रिस्पेक्टिंग द टीचर्स, सो आई एम बीइंग ट्रीटेड फैबुलसली हियर एंड ऑल माय स्टूडेंट्स लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट एंड द सेम दिस फीलिंग इज म्यूचुअल एंड आई लव देम अलॉट एज वेल। थैंक्स फॉर आस्किंग एनीवेज। चलो अब ये कवर अप कर रहे हो निखिल बेटा, ये जो परसेंटेज तुमने लगाए हो अब कवर अप कर रहे हो तुम। ओके अच्छा चलो मैं पहला सवाल ला रहा हूं सब लोग के सामने, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्टार्ट। आंसर्स दे दो कोई तो भी एक इंसान। सो दैट इटसेल्फ मींस द एंटायर हार्ट, कंप्लीट हार्ट एंड सोल प्रदीप, सो थैंक्स अ लॉट, लव यू। तो अभी तुम लोग आंसर दे रहे हो, आज आज वैसे हम लोग जल्दी कंप्लीट किया तो मैं आज तुमसे 2 मिनट बात करूंगा आफ्टर दिस क्लास। ओके दिल की बात एकदम मस्त शेयर करूंगा। यस सो पीपल थिंक इट इज ट्रू एंड दे आर राइट, इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप सारे बड़े ही लाए क्या आज? बेटा आप क्या बताओ, इसके बाद तुम लोग शॉक होने वाले हो नेक्स्ट स्लाइड पे। करेक्ट शीतल, अरिबा, विष्णु, निखिल, मानसा, सृष्टि, प्रदीप, निशांत, क्रिएटिव नैंसी, ओह माय गॉड क्रिएटिव नैंसी ये तो नया है, शिखा। ट्रू है पक्का, कुछ भी मिसिंग नहीं है इतने बड़े सेंटेंस में, कुछ भी गूगली नहीं खेली है मैंने, यू श्योर? अरे फालतू होकर डरा रहा हूं मैं, एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट किया है मैंने। अब देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए थे नहीं, तो ये है तुम्हारा शौक, दो ही एमसीक्यू लाया था मैंने। ओके अब गाली मारने का नहीं, उसका रीजन ऐसा है मुझे आपसे मेन करवाना है ये। बेटा आज सुबह मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो आई थिंक मानसा ने तो लिखा है मुझे पता है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, यहां तक वो हो जाता है खत्म, उसके आगे से मैंने ये चालू किया। तो जिन लोगों ने सुबह का राइटिंग प्रैक्टिस किया है वो लोग सिर्फ ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे, और जिन लोगों ने जो एज यूजुअल आलसी लोग होंगे जिन्होंने इतना मैं बोलता हूँ सिर पीटता हूँ बोल बोल के कि बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करो बेटा राइटिंग प्रैक्टिस करो और फिर भी नहीं करते, उन लोग को ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, when shall breach of condition be treated as breach of warranty under the provision of the sale of goods act 1930। तो इसमें पूरा section 13 आपको बताना है। अब देखो सर आप बोलोगे सर अब ये जो क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को सर कैसे लिखे, बिकॉज अगर आप इसको तीन कॉलम में लिखते हैं सर, सपोज यहाँ पे बेसिस है यहाँ कंडीशन है या वारंटी है, सपोज ऐसे आप लिख देते हैं तो फिर ये आंसर पार्ट पार्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल ANS 1 ठीक है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन भी तो है सर, व्हेन शैल ब्रीच ऑफ, तो क्या करे? तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि जब ऐसे डिस्टिंक्शन के साथ अगर कुछ और भी क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हैं सर। थ्योरी मतलब एक एक पॉइंटर डाल के लिखिए, कैसे लिखेंगे? तो लिखिए कि कंडीशन इज इसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, देन आप लिखिए वेयर एज या ऑन द अदर हैंड, ऐसा उसी में ये वर्ड्स याद रखना बेटा, वेयर एज या ऑन द अदर हैंड। इससे क्या होता है सर, इससे समझ में आता है कि अगर आप पहले कंडीशन की बात कर रहे थे तो ये वर्ड्स के बाद आप वारंटी की बात कर रहे हो, तो उससे ना चेक करने वाले को डिफरेंशिएट करने बहुत इजी होता है। तो ये वर्ड्स यूज करके आप लिखेंगे वेयर एज या ऑन द अदर हैंड, वारंटी इज अ कोलैटरल ट्रांजैक्शन और इवेंट और व्हाटएवर, स्टिपुलेशन, वर्ड शुड बी स्टिपुलेशन। नेक्स्ट आप ऐसे ही सेकेंड पॉइंट लिखेंगे जहां पर आप बोलेंगे कि यहां पर यहां कंडीशन में रेपुटेशन पॉसिबल है, वेयर एज एक बार वेयर एज किया तो एक बार ऑन द अदर हैंड करने का, फिर ऑन द अदर हैंड किया तो फिर वेयर एज बोलने का। ओके या अच्छा मेनी टाइम्स यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड बट या इन केस ऑफ,
बट इन केस ऑफ, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, तो फिर आप बोलोगे कि इन केस ऑफ वारंटी यहां पे डैमेजेस आएंगे। एंड लास्ट पार्ट क्या, कंडीशंस टू वारंटीज हो सकता है सर, वारंटीज टू कंडीशन नहीं हो सकता, बस इतना बोलेंगे। और उसी इस तीन पॉइंटर्स को यहां खत्म कर देंगे, और इन तीन पॉइंटर के खत्म होते ही यहां पे आप नाउ व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एंड देन यू विल कीप ऑन राइटिंग फोर मोर पॉइंट। सर कौन से चार पॉइंट, वही आप वेवर कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लिया, नॉन सिविलिटी, फिर क्या एक्सक्यूज, ये सारी चीजें आप वहां पे बाद में बोलोगे और उसके बाद ये आंसर कंप्लीट होगा। तो क्या आप ये लिख के प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे? यस, हाउएवर इज ऑल्सो अ गुड वर्ड, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड हाउएवर, वेरी गुड। ओके, हाय अंशुल, बहुत अच्छा लगा बेटा आपको फिर से देख के, कोई बात नहीं अंशुल, देर आए दुरुस्त आए। Anshul, you'll have to stay motivated, stay focused, and stay brave, bro. You got this. Okay. Now, जो मैंने आपको बोला था थोड़ी बातें गप्पे शप्पे मारेंगे, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड CA आदर्श, प्लीज इसको यूज करो यार दोस्त, यूज करो यार। और अभी तक मुझे ब्राउन हैट मिला नहीं है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ब्राउन हैट, लेट सी क्या होता है। मैं आपकी अपनी मन की बात एक बोलना चाहता हूं, बिकॉज अब यहाँ बहुत सारे मेरे प्रिय मित्र मौजूद है। सर हाँ मानसा, यू हैव टू राइट द लास्ट फोर पॉइंट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अमेजिंग रिस्पॉन्स, लेट मी टेल यू, दिस फर्स्ट थिंग दैट इज कमिंग टू माई माइंड इज दिस, कि मैंने इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि लाइक इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। आई एम जस्ट मेस्मराइज बाय द फैक्ट सो मैनी स्टूडेंट्स हैव फॉलोड मी ऑन ऐप, सो मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट टाइम, वो लोग देख रहे हैं और तुम लोग बहुत ईमानदारी से, ऐसे नहीं, बिकॉज मुझे पता है देर आर प्लेंटी ऑफ टीचर्स आउट देर, आई नो देर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, बट देर आर प्लेंटी ऑफ टीचर्स एज वेल, ऐसा कोई टीचर्स की कोई कमी नहीं है कोई मार्केट में। एंड देन एवरी टीचर इज फैबुलस यार, कोई एक टीचर ऐसा नहीं लगता कि अरे ये बकवास है, नहीं एवरी टीचर इज अमेजिंग, बट कहीं कहीं होता है ना कि यार दिल मैच जाता है, हमारा वेवलेंथ मैच जाता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। वैसे ही मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में पढ़ाने में जेन्युइनली बहुत मजा आ रहा है। तो जितने भी डेडिकेशन, फॉलोअर्स, कमेंट्स, लाइक्स, मतलब सब्सक्रिप्शन, एनीथिंग दैट यू हैव थ्रोन टुवर्ड्स मी, इनफैक्ट आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लोग डेली मतलब जानबूझकर खुद से डाल रहे हो, जबकि मुझे पता है आपके एज में आपके जो फ्रेंड्स है वो लोग सोचते होंगे अरे ये क्या है यार, ये पढ़ाई का शेयर करता है, सो आई एम शेयरिंग माई सेल्फीज एंड ऑल, एंड देन ये लड़का देखो या इस लड़की को देखो ये क्लासेस का कुछ शेयर करती रहती है, क्लासेस का कुछ। I know what it feels and what it takes to do that. It takes courage. It takes dedication to do that. It takes love, most of all, to do that. And for that dedication, love and courage, I am indebted to you. I love you a lot. Thanks a lot for showering so many blessings on me. And I know you'll keep on showering more and more every coming day. So genuinely, I wanted to take this opportunity because aaj hamara session jaldi khatam ho gaya. I am getting a bit emotional. Oh, aha. नहीं आंसू आंसू नहीं आ रहा, मजाक कर रहा हूं, इतना भी इमोशनल नहीं होता मैं, बट लव यू अलॉट गाइज, लव यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। और आपको कुछ भी अभी बोलना है तो आई एम रीडिंग द कमेंट्स। गपशप मतलब क्या है? गपशप बेटा जो अभी अपन कर रहे हैं ये बकर मारना, इसको मैं गपशप बोलता हूँ। अच्छा हाँ, तुम लोग सोच रहे होंगे फ्राइडे सर गपशप लेने वाले क्यों नहीं हूँ आज, तो बेटा आज मैं गपशप नहीं लूंगा, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बता दिया था, फ्राइडे से मैंने उसको हटा दिया है, सम अदर टाइम आई एम प्लानिंग। मेरा ना अननेसेसरी तुमको बर्ड मतलब बोल देना कि जबरदस्ती कुछ तो बोलने का बोल के बोलने का ऐसा मन नहीं है, वेरेवर आई फील लाइक कि चल एक गपशप का सेशन कर लेते हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं या बच्चों को कुछ बताना है, then I'll definitely schedule a gupshup. If you have some good and amazing बोलते ना ideas कि सर आप गपशप में next time ये ले सकते हो, motivation के related ले सकते हो, just time management के related ले सकते हो, concentration, there are plenty of stuff that I can talk on. So आप मुझे जरूर बताइए, and if majority people are willing to see something, I'll definitely post that. I'll definitely make a video about that. बेटा अंशुल ब्राउन हैट, ये आप जब अनअकैडमी ऐप में बहुत सारे वीडियोस देखने लगोगे यू विल रियलाइज आप एक एक हैट अनलॉक करते हो, एंड दैट हैट जैसे व्हाइट हैट, ब्लू, ग्रीन, देयर आर प्लेंटी ऑफ हैट्स, देन यू कैन डेडिकेट दोज हैट्स टू योर फेवरेट टीचर, इट शोज योर लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर।
क्या बात है मानसा, थैंक्स अ लॉट यार। हाँ अरे यार निशांत क्या बात कर रहे हैं, लव यू अलोट, जान नहीं चाहिए यार। अरे वांटेड लिस्ट में किधर शेयर करें शिखा। अरे ड्रामा वामा सब कर लेता मैं। थैंक्स सर, क्या बात कर रही बात, थैंक्स अ लॉट यार। ये बोझ मैंने हल्का कर दिया, अभी और करेंगे, फुल पढ़ेंगे, फुल रिवाइज करेंगे। नहीं रे, रोज क्या गपशप करना, इससे अच्छा एक फुल बनाने का ना, एक दिन फुल ऐसा टशन मार के गपशप करने का, ऐसा मुझे लगता है। अरे इंट्रो बेटा, देर आर थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल एंड वी नीड दिस, वी नीड दिस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो कितने नए स्टूडेंट्स आते हैं जिनको पता नहीं होता इस बारे में। क्या बात है क्रिएटिव नैंसी, देखो अभी मैं निखिल बोल नहीं रहा था, देर आर ऑलवेज न्यू स्टूडेंट्स दोज हु आर ज्वाइनिंग, तो वो लोग अपना इतना कीमती समय दे रहे तो उनको मुझे बताना तो पड़ेगा ना हम लोग क्या कर रहे हैं। तो नैन्सी इट वॉज वंडरफुल, ऑसम टू यू नो हैव यू इन आवर क्लास। हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट राइट अपलोड किया है, दैट यू कैन सी, हम हर संडे राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, ट्रस्ट मी गाइस, जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे आपको लॉ में लॉ की असली कठिनाई समझ में नहीं आएगी। लॉ पढ़ना समझना बहुत ईजी है, लिखने में जान जाती है दोस्त। विष्णु इट्स अ वेरी वंडरफुल आइडिया, लेट मी थिंक अबाउट इट एंड लेट मी जस्ट यू नो प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। आई एम एक्चुअली प्लानिंग ऑन स्टार्टिंग बीसीआर, सो आई एम नॉट येट फाइनलाइज कि वो मैं, आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम प्लस, लेट्स सी, आई लेट यू नो। आग लगा देंगे, यस अरिवा। नो 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 निखिल, सॉरी, दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। यार थोड़ा तो मेरे बारे में नहीं सुन सकते क्या यार, ऐसे मत करो यार। अंशुल कैसे देते हैं, अंशुल सी व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, देन आप यू स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस। मैंने आपको तो कुछ वीडियोस के लिंक भेजे हैं, आपको वो देखने हैं, जरूर देखने चाहिए वो वीडियोस। आप देखो कॉन्ट्रैक्ट के रिविजन देख लो, वट एवर यू वॉन्ट टू विश टू सी आप देखो, एंड एवरी मिनट इज एडेड टू योर अकाउंट, एंड आफ्टर एवरी स्पेसिफिक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 1 घंटे का वीडियो देख लिया, 10, 30 मिनट, 60 मिनट, वट एवर इट इज, तो एक हैट, पर्टिकुलर हैट खुलती है आफ्टर सम माइल स्टोन, 1000 मिनट्स पे ये, 5000 मिनट्स पे ये, 1 लाख मिनट्स पे समथिंग, और हर ऐसे मिनट्स कंप्लीट होते होते आपके हैट्स खुलेगी, दोज हैट्स यू कैन डेडिकेट। हाँ मुझे भी निशांत लग रहा है आई शुड स्टार्ट बीसीआर बिकॉज इट विल बी टू लेट अदरवाइज। निखिल का आइडिया अच्छा लगा, अदर इफ इफ अदर पीपल आर, अदर स्टूडेंट्स आर ओके विद दिस, वी कैन कैरी ऑन दिस एज वेल। तो सर क्या होगा इसमें, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं लॉ का टाइम नहीं कम कर सकता, मेरा सारा टाइमिंग गिना हुआ रहता है आपको पता है। सो इफ यू आर सेइंग, यू आर आस्किंग मी टू टेक बीसीआर, दिस विल बी एड ऑन टाइम ओवर एंड अबाउ वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। समझ लो 1.5 घंटा मैं लॉ लूंगा और उसके अलावा फिर 45 मिनट्स में मुझे बीसीआर लेना पड़ेगा। डोंट थिंक कि मैं 40 मिनट लॉ लूंगा, 40 मिनट बीसीआर, उसमें क्या होगा, लॉ भी कंप्लीट नहीं होगा, बीसीआर भी कंप्लीट नहीं होगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। एटलीस्ट यहां पर मेरा पूरा बिजनेस लॉ पढ़ा के, रिवाइज करके, राइटिंग प्रैक्टिस करके एकदम फटाफट, एकदम अमेजिंग तरीके से कवर होगा। बाद में बीसीआर भी मैं स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको पहले स्टार्ट करूं, बिकॉज बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं बीसीआर के लिए, तो वो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं। यस नाइन्स इट इज, देखो आपको एक वीडियो देखना है गपशप एपिसोड 3, मैंने इसको भी वही बोला है, तो आप भी वही देखिए गपशप एपिसोड 3। देखो मैंने पूरा प्लानिंग करके बताया कौन से यूनिट पे कितने आवर्स डालने हैं, फर्स्ट रीडिंग, सब्सिक्वेंट रीडिंग और रिविजन, तीनों के बताए। अब आपका फर्स्ट रीडिंग होगा तो आप फर्स्ट रीडिंग का कॉलम देखिए, अगर आपका सब्सिक्वेंट रीडिंग है तो सेकंड कॉलम देखिए, अगर आप रिविजन करेंगे तो आप थर्ड कॉलम देखेंगे। प्लीज गपशप एपिसोड 3 देखिए, यू अंडरस्टैंड, इसी पे यूट्यूब पे अपलोडेड है, अभी जाकर देख लो नैन्सी, और कमेंट करना अगर आप देखते हो तो, उसके बाद अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस अच्छा शिखा इज ऑल्सो एग्रींग टू लॉ एंड बीसीआर, हुएवर एग्रीज टू लॉ प्लस बीसीआर प्लीज शाउट आउट करो, थोड़ा बताओ मुझे। प्रदीप इज ऑल्सो, प्रदीप का थोड़ा उल्टा हो रहा है, प्रदीप बोल रहा है बीसीआर आफ्टरनून में लो,
लॉ इवनिंग में। अच्छा, प्रदीप इज नॉट एबल टू अटेंड आवर क्लास एट 12 PM बिकॉज उसका कुछ और क्लास होता है आई थिंक। ओके पुनीत, ए से पी, अब देख रहे हो अब मेरा स्पीड जान गए हो। अभी ये खत्म होने वाला है 23rd को, आई थिंक बाय द एंड ऑफ द मंथ ये यूनिटी ये पूरा निपट भी जाएगा। तो फिर उसके बाद बचते क्या, छोटे छोटे 3 चैप्टर्स है, छोटे नहीं है बट है। सुबह का नहीं पॉसिबल है, सुबह नहीं पॉसिबल है, देर आर अदर फैकल्टीज की क्लासेस ऑलरेडी स्केड्यूल होते हैं। यस नैन्सी, आई एम ऑलवेज आई एम टेकिंग बैचेस ऑन अनअकैडमी एज वेल। मेरा कल कल ही रिवीजन बैच मैं स्केड्यूल कर रहा हूँ गाइस। जो हमने 2 यूनिट अभी कंप्लीट कर लेंगे, एटलीस्ट एक यूनिट तो कंप्लीट है ना, वो एक यूनिट का रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि संडेज आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। तो कल सैटरडे है तो कल मैं ऐप पे रिवीजन रख रहा हूँ, प्लीज ये पूरा यूनिट 1 पढ़ लेना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ओके आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। तो प्रदीप यू आर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है आप अभी ये क्लासेस कर रहे हो। आप बाद में जो मेरे फ्यूचर क्लासेस होंगे उन इन दैट क्लास आल्सो यू कैन ज्वाइन, मेरे जो रिवीजन क्लास है इन दैट आल्सो यू कैन ज्वाइन। सो अच्छा होगा। यस अरिबा करते हैं। हाँ अनएकेडमी में कैसे देखना है, ओके सो अनएकेडमी में बेटा कैसे देखना है, आपको एक अनएकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। कहां से, आपके गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है बेटा, गूगल प्ले स्टोर में यहां पर आप जाओगे ना, गूगल प्ले स्टोर में आपको ऐसा दिखेगा अनएकेडमी लर्निंग ऐप। अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे जाके आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर गोल सिलेक्ट करने बोलेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो सब डालने के बाद गोल सिलेक्ट करो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट, और उसमें आपको सारे मेरे क्लासेस मिलेंगे। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा, प्लीज सीए आदर्श रेफरल कोड यूज करो, यू विल गेट 10% ऑफ, और आप मेरे प्लस कोर्स भी देख सकते हो। नहीं, अच्छा सर्च मारने की भी जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है @FutureOfEducation करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिंक, वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मेरा पेज खुल जाता है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक। यस बाय निशांत, सिया। निखिल, आई हैव टू प्लान थिंग्स आउट अ बिट, मैं पहले प्लान करूंगा फिर मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। कल रिवीजन कब है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइदर फर्स्ट हाफ में लूंगा बेटा सुबह, यानी 9 या 10 बजे के आसपास, या मैं सेकेंड बीच में दोपहर में लूंगा, आई थिंक 2 बजे के वगैरह आसपास, बिकॉज कल मेरा दोनों टाइम क्लास है, मतलब 12 और 4:30 का भी क्लास है, उसके अलावा मुझे रिविजन लेना है। सो थोड़ा सा टाइमिंग का, कल मैं 3 बार आऊंगा, एक बार अनअकैडमी ऐप पे और 2 बार इसके ऊपर, किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप में मुझे फॉलो करो, कल का आपको स्केड्यूल वहां पे मैं अभी आज स्केड्यूल करूंगा, आपको दिख जाएगा, नोटिफाई कर देना उसको। अंशुल, आई एम वर्किंग ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, तो बन गया है, मुझे पता नहीं कि वो ऑन कब से होगा। नैन्सी, विल गेट द नोट्स इन द ऐप इटसेल्फ, आप अन अकेडमी ऐप में जाएंगे तो वहां पे सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर टाइम, बाय। अनअकैडमी का टाइम मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली मॉर्निंग का रखता हूँ, आइदर मॉर्निंग रहेगा या तो आफ्टरनून का रहेगा, मतलब अपने ये 2 क्लास के बीच का टाइम रख सकता हूँ। तो क्योंकि कल थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाना है मुझे, तो आपको मैं आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करो, जैसे ही मैं स्केड्यूल करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, कीप योर फैमिलीज एंड योर सेल्फ सेफ। इफ यू विश टू बाय प्लस सब्सक्रिप्शन डोंट फॉरगेट सीए आदर्श, हम जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ उसके बदले अगर आप मुझे रिवॉर्ड करना चाहते हैं, आप मुझे प्यार अपना भेजना चाहते हैं, तो प्लीज प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए विद द रेफरल कोड सीए आदर्श, दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर मी। थैंक्स अ लॉट, लव यू। ये स्केड्यूल है बेटा, टाटा बाय बाय एवरीवन, बाय अरिवा। नहीं प्रदीप, आईसीएम मटेरियल इज इनफ, और इसके अलावा आपको आईसीएम मटेरियल में क्या क्या आता है बेटा, आईसीएम मटेरियल में मॉड्यूल आएगा, एमटीपी आएगा, आरटीपी आएगा, वो सब कुछ आएगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे, आंसर्स आएंगे, वो आपको पढ़ने हैं।
ओके, देख लिया मानसा स्केड्यूल? ओके चलिए अब चलते हैं। प्रदीप आपको मैंने बता दिया एमटीपी आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने हैं आपको आईसीएम मटेरियल के अलावा, स्टडी मटेरियल के अलावा। ओके चलो, इट वाज नाइस अमेजिंग टू टॉक टू यू, लव यू ऑल, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।